अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नवंबर 2024 में चुनाव होना है, जिसके लिए अमेरिका में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब व्हाइट हाउस की रेस के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में बीते दिन अमेरिकी संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य कर दिया। अदालत ने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत वाले अपने फैसले में कहा कि अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य है। कोलोराडो प्रांत के हाईकोर्ट ने जिला अदालत के न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए यह आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, जिसके बाद ट्रंप के समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया, जिसमें कुल 5 लोग मारे गए थे। इसके लिए दोषी करार दिया जाता है, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक या अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मामले में फैसला आने तक रोक लगा दी। वही इस फैसले से अमेरिका की सर्वोच्च अदालत को अब ये तय करना चुनौतीपूर्ण होगा कि क्या ट्रंप रिपब्लिकन की तरफ से नामांकन दौड़ में बने रह सकते हैं या नहीं।